मैं सीए राकेश सिंघल और आज आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वीकली सीरीज यानी नेक्स्ट वीक बाजार में क्या करें। तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि लास्ट वीक यानी कि जो वीक अभी गुजर के गया यानी 23 मार्च से 27 मार्च का जो वीक है उस वीक में मार्केट में क्या क्या हुआ हम सारी एक्टिविटी आपको बताते हैं और उसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट वीक में क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो इस वीक में अभी तक हम देखें तो एफआई का सेल ऑफ अभी भी जारी है और मार्च के महीने में अभी तक एफआई ने 58,000 करोड़ की बिकवाली अभी तक कर दी है मार्केट में। लेकिन निफ्टी ओपन हुआ था मंडे को 7946 पर और अभी फ्राइडे को 8660 की क्लोजिंग की है। तो निफ्टी में रिकवरी इस हफ्ते में हुई है कुछ थोड़ी लेकिन अभी भी हमें लगता है ये रिकवरी टिकाऊ नहीं है क्योंकि इस रिकवरी में वॉल्यूम की भी कमी है और साथ साथ डिलीवरी पोजीशंस की भी कमी है। तो अभी हमें लगता नहीं कि ये रिकवरी टिकाऊ रहेगी और हमें अभी भी लगता है यहाँ से मार्केट अभी बहुत नीचे जा सकता है 8,000 और 7,500 तक के लेवल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट वीक की तो सबसे पहले तो पीएम ने 21 दिन का जो लॉकडाउन किया था वो 14 अप्रैल को जो कि खत्म होगा। तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने 1.7 लाख करोड़ का एक रिलीफ पैकेज गरीब और दिहाड़ी मजदूर के लिए अनाउंस किया था और उसके बाद आरबीआई ने भी लगभग 3.7 लाख करोड़ का एक रिलीफ स्टिमुलस पैकेज दिया था जिससे कि जो ग्राहक हैं जिनके के लोन चल रहे हैं उनको की कुछ राहत मिल सके जिससे जिसके लिए कि आरबीआई ने 75 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट किया था और जिससे कि जो इंटरेस्ट है उस पर कुछ राहत मिल सके सभी लोगों को और साथ ही 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर में भी कट किया था जिससे कि बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी हो सके। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को 3 महीने के लिए EMI डेफर करने के लिए भी एक प्रपोजल दिया है। ये बैंकों के ऊपर डिपेंड करेगा। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वीक की यानी कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस जैसा कि आप जानते हैं अभी तक ग्लोबली अभी तक 6,60,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं और करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम बात करें। और ये साथ के साथ इस हफ्ते में तो यूएस में और इटली में काफ़ी भयावह पोजीशन हो चुकी है। यूएस और इटली में तो चाइना से भी ज़्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं इस हफ्ते में और बल्कि इटली में 10,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं। और इसके लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने कई सारे स्टिमुलस पैकेज अनाउंस भी किए हैं इस हफ्ते में। अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में भी क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज नहीं आया तो हमें लगता है कि इस वीक में इंडस्ट्रीज के लिए भी कहीं कोई रिलीफ पैकेज आने की संभावना है। साथ के साथ फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के लिए भी फरवरी के डाटा जो है 31 मार्च को गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। इसके अलावा अगर हम 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को सारी ऑटो कंपनियां अपने मार्च बिक्री आंकड़े प्रस्तुत करेंगी जिसमें हीरो मोटो और मारुति सुजुकी बजाज ऑटो TVS मोटर महिंद्रा एंड महिंद्रा आयशर मोटर टाटा मोटर ये सारी कंपनियां आपके मार्च सेल्स के आंकड़े प्रस्तुत करेंगी। हालांकि ऑटो सेक्टर पहले से ही बहुत डाउन था और ऑटो सेक्टर में रिवाइवल आना था लेकिन इसकी वजह से इस कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अब ये सेक्टर फिर से दोबारा से एक बड़ी ही गंभीर स्थिति में पहुँच गया है और आने वाले अभी इसको उभरने में थोड़ा टाइम अभी और लगेगा। इसके अलावा अगर हम 2 अप्रैल को बात करें 2 अप्रैल को इंडिया अपना मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े प्रस्तुत करेगा और उसके अलावा 2 अप्रैल को रामनवमी की वजह से बाजार बंद रहेंगे। और तो हमारा चैनल देखते रहिए और इन सभी अपडेट्स को लेते रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचिए। थैंक यू।